सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से एक ब्यूटी पेजेंट राउंड के लिए जो है मेकअप कर सकते हो. ठीक है, सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर. सो कोई भी लाइक इंटरव्यू देना चाहते हो तो आप किस तरीके से मेकअप कर सकते हो जो कि बहुत सटल सा लगे बट बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लगे. इन शॉर्ट, इसके बाद हम यूज करने वाले हैं ये है लिप ग्लॉस. आप कोई भी लिप ग्लॉस यूज कर सकते हो. ठीक है, सच नहीं किया पर्टिकुलर जो मैं दिखा रही हूँ वही यूज करनी है. सबकी वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी. ठीक है, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ नेम यहाँ पे, वीडियो में मेंशन हो जाएंगे, सो डोंट यू वरी. ओके, ऑन टॉप ऑफ इट आई एम जस्ट डूइंग अ लिटिल स्प्रे. तो ये रोज वाटर का स्प्रे है, आप कर सकते हो. That's it. Okay, इतने ये सेटल डाउन होता है, थोड़ा सा हम इसको अब्सॉर्ब होने देते हैं फेस पे. एंड सो अभी मैं आपको बता देती हूँ बिकॉज ये ब्यूटी पेजेंट राउंड के लिए मैं मेकअप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. अगर कोई भी इंटरव्यू है, आपको कोई भी राउंड है, तो आप डेफिनेटली इस तरीके का ये एक नो मेकअप मेकअप लुक होगी जो कि एक न्यूड मेकअप होगा. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं करने वाली हूँ. ये बहुत सटल और बहुत ही डिसेंट सा और एलिगेंट सा मेकअप होने वाला है. सो आई जस्ट होप यू गाइस लाइक दिस. पसंद आता तो मेक श्योर लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. ठीक है, एंड प्लीज सपोर्ट मी गाइस, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सपोर्ट मी. अच्छा, कई लोग ना फैन से इसको सुखाने लगते हैं. ठीक है, इसको एब्जॉर्ब होने देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि फैन से फटाक फटाक से सारा काम हो जाए. बट मैं आप लोगों को सही अगर राय दूँ ना, तो सही राय ये है कि प्लीज़ आप फैन की जगह इसको नेचुरल जो है एब्जॉर्ब होने देंगे तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है, इट टेक्स लाइक 2 to 4 minutes टू एब्जॉर्ब. ठीक है, अच्छे से सेटल डाउन हो जाता है. सो अगर आपको बहुत जल्दी है तो प्लीज़ आप फिर फैन से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, इसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ELF का फाउंडेशन. ठीक है, और मैं कुछ भी लाइक कोई मैं ऑरेंज करेक्टर्स अप्लाई नहीं कर रही है, ग्रीन करेक्टर्स अप्लाई नहीं करने वाली हूँ. सो नॉर्मली फाउंडेशन है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ. बट अगर आपके थोड़े से ज़्यादा लाइक डार्क पिगमेंटेशन है, मेरी इतनी नहीं है, लेकिन अगर आपकी है तो आप प्लीज़ अप्लाई करेंगे ऑरेंज करेक्टर, लेकिन बहुत कम अमाउंट में, मिनिमल अमाउंट में. ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो फाउंडेशन है इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ. ELF ब्रांड का फाउंडेशन है, मीडियम कवरेज है इसकी, आप इसको बिल्डअप कर सकते हो. इसका शेड है आर्मेंट और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, ये मेरी स्किन से डार्क शेड है. ठीक है, और इसकी मैं एप्लीकेशन करने वाली हूँ. इसको हल्का सा मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया है, और इसको सबसे पहले मैं अंडर आई एरिया पे अप्लाई करूँगी लाइक दिस. और इस तरीके से अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर ना मैं इसको छोड़ देने वाली हूँ. ठीक है, सो दैट ये सेटल डाउन हो जाए. ओके, जो जो एरियाज मैंने अप्लाई किया हूँ, उन एरियाज पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. लाइक ये आउटर साइड पे, माउथ के आउटर साइड पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. इनर साइड पे, इस तरह की जो आईज की इनर साइड पे आपको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ का एरिया थोड़ा सा डार्क होता है. जो जो आपके लाइक, अब जैसे कि मेरे यहाँ पे एक पिंपल था तो उस पर मैंने अप्लाई किया है इसको. ठीक है, एंड मैंने अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई किया है. और या जहाँ जहाँ आपको लगता है हल्की हल्की पिगमेंटेशन है, आप वहाँ वहाँ अप्लाई करेंगे इसको. ठीक है, उसके बाद इसको स्प्रेड करेंगे स्मूथली लाइक दिस. सो अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा और लगाना है तो आप और लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाने वाली हूँ.
अच्छा एक चीज़ अगर आपने नोट की हो तो मैंने बिल्कुल आईज के पास नहीं अप्लाई किया है, बिल्कुल लाइक यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई नहीं किया। अगर मैं बिल्कुल यहाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे करके अप्लाई करूँगी तो मेरी आईज थोड़ी सी छोटी नजर आएंगी, ठीक है? तो मैं नहीं चाहती कि मेरी आईज छोटी नजर आए, इवन मैं चाहती हूँ कि मेरी आईज बिग और पॉप आउट हो, ठीक है? सो यस, इस तरीके से हमने ये फाउंडेशन की एप्लीकेशन कर ली है। अगर आप चाहते हो तो आपको थोड़ी सी और कवरेज चाहिए तो वो मैं बता देती हूँ कैसे आप करोगे। आप थोड़ा सा एक पंप और ले लो, मैंने हाफ ही पंप लिया है, वैसे पूरा पंप नहीं लिया है, ठीक है? उसके बाद आपको जहाँ जहाँ लगता है ज़रूरत है आप वहाँ वहाँ अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ मुझे ज़रूरत है तो मैंने यहाँ और डबल कोट कर लिया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइक जो मेरा पिम्पल था वहाँ मैंने अप्लाई कर लिया है, ठीक है? डबल कोटिंग कर ली है इसकी, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें सो दैट की थोड़ा सा सूख जाए, थोड़ा सा मर्जर हो जाए फेस पे। उसके बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है? और टैपिंग मोशन में करेंगे लाइक दिस। तो अगर आप चाहते हो कि आपसे फिंगर से ब्लेंड नहीं होता है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर लेके आप इसको इस तरीके से जो है हल्के हल्के हाथ से इसको ब्लेंड कर सकते हो, दैट्स इट, राइट? इसके बाद मैं अपने फेस में कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन करने वाली हूँ। तो कॉम्पैक्ट के लिए आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट, दिस इज लैक्मे सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट, आई लाइक इट। सो इसकी मैं एप्लीकेशन करूंगी, ये पैक कप ऑफ है इसके साथ। एंड इसको मैं अप्लाई करूंगी, इस तरीके से हो गई कॉम्पैक्ट की एप्लीकेशन डन, ठीक है? उसके बाद ये पैलेट लेने वाली हूँ मैं, इसके अंदर ये वाले जो आपको दो शेड्स नजर आ रहे हैं इन शेड से मैं कॉन्टोरिंग करने वाली हूँ, ठीक है? इस तरीके से ये शेड लेके एंड लाइक दिस, बहुत हल्के हाथों से। अगर आपके डबल चेन है तो आप यहां पे जरूर लगाएंगे, ठीक है? अच्छा, बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ मैं, बिकॉज ये एक इंटरव्यू के लिए है, जो ब्यूटी पैजेंट होते हैं उसके लिए आप लाइक कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप नहीं करोगे। जब भी लाइक टैलेंट राउंड्स वगैरह होते हैं तो उसमें आप किस तरीके से कर सकते हो, क्विक मेकअप ट्यूटोरियल है। उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्लफी ब्रश लेना है और यही पैलेट लेनी है सेम, और इसके अंदर से जो पिंक शेड है इसको यूज़ करना है, बिकॉज मुझे पिंक बहुत पसंद है, तो मैं तीनों यूज़ कर लेती हूँ चलो। और तीनों को इस तरीके से मिक्स करके आपको इस तरीके से कलर नज़र आ जाएगा, एंड उसके बाद आप इसको लाइक दिस अपवर्ड स्ट्रोक्स में अप्लाई करने वाले हैं, लाइक दिस। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस, फाइन। सो गाइस, आई मेकअप के लिए अगर आप ब्राउन की तरफ जाओगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है, और ब्राउन ब्रॉन्ज जो है हर किसी कलर के साथ जाता है। सो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको ज़रा सा ये लेना है, ठीक है? फिंगर पे आपने शेड लिया ये ब्राउन शेड, हल्का हल्का अप्लाई किया अपने लिड पे इस तरीके से, और हल्का हल्का आगे लेके गए इस तरीके से अप्लाई करेंगे बहुत धीरे धीरे, और धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाएंगे, बहुत एकदम से ऊपर लेके नहीं जाएंगे, राइट? इस तरीके से, यू गाइस कैन सी।
इसी तरीके से दूसरे ऐप पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नॉर्मल सा हम ब्रश लेंगे और एक थोड़ा सा जो पीची टोन का शेड है आप देख सकते हैं, ऑरेंजिश है ये, हल्का सा इसको लेंगे एंड डस्ट ऑफ करके इसको हल्का सा आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे एंड ऊपर लेके जाएंगे। इसको इस तरीके से हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है। इसी शेड को हम थोड़ा सा ब्राउन के साथ मिक्स करके हल्का सा डस्ट ऑफ करके आईज के नीचे इस तरीके से अप्लाई करेंगे वेरी केयरफुली लाइक दिस। उसके बाद हम क्रिएट करने वाले हैं आईब्रोज। तो आईब्रोज के लिए मैं ये थोड़ा सा डार्क जो ब्राउन शेड है इसको लेने वाली हूँ, ठीक है, हल्का हल्का सा लिया है एंड उसके बाद मैं बहुत हल्का हल्का आईब्रोज को जो है फिल करने वाली हूँ, सबसे पहले नीचे एंड देन ऊपर एंड देन हल्का हल्का सा फिंगर से इसको इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे सो दैट की थोड़ा सा नेचुरल लुक देगा। देख सकते हैं बहुत सटल सटल से मैंने बनाया है, आईब्रो को क्रिएट किया है। Like this. And उसके बाद एक पॉइंटेड ब्रश लेके मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ, ब्लैक तो डार्क ही होता है, ब्लैक ले रही हूँ, बिल्कुल जेट ब्लैक नहीं है बट ये ब्लैक है। इस तरीके से डार्क शेड लेकर एंड देन मैं इसको जब हम आईलाइनर लगाते हैं उस वाली साइड पे मैं इसको अप्लाई करने वाली हूँ लाइक दिस। Fine, now you guys can see, थोड़ा सा हम और डार्क करेंगे इसको। So, इस तरीके से मैं इस आई पे भी क्रिएट करने वाली हूँ सेम यही लुक। You guys can see and same यही procedure मैं नीचे underneath the eye करने वाली हूँ बहुत very close to lash line।
सी अच्छा बिकॉज मेरे लिप्स में थोड़ी सी पिगमेंटेशन है तो मैं इस पे एक ऑरेंज शेड अप्लाई करने वाली हूँ. ये बेसिकली लिप बाम ही है बट मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक जो है हल्की हल्की से अप्लाई कर लें. लिपस्टिक शेड को लगाने से पहले मैं अपने अभी नेल पेंट जो है वो चेंज करने वाली हूँ. सो अवॉइड दिस. सी वैसे ऐसे भी अच्छा लग रहा है राइट. अच्छा ये जो मैंने ऑरेंज लिप बाम लगाया है ठीक है ये आप भी लगा सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी ऑरेंज लिपस्टिक लगा सकते हैं. और आपको उसके ऊपर कोई और लिपस्टिक शेड लगाना है तो वो लगा सकते हैं बट मुझे कोई और नहीं लगाना है. मुझे सिर्फ हल्का सा एक मैट लुक देनी है तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ इन्हीं आई शेड्स को. सो मैं इन्हीं आई शेड्स में से ये वाला जो शेड है पिक करने वाली हूँ थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि ऑरेंज टोन में हल्का सा ब्राउन टोन में है. इसको पिक करूँगी और मैं अपने लिप पर अप्लाई करने वाली हूँ सेंटर में. और फिर आपको दोबारा इसको अप्लाई नहीं करना है बिकॉज मेरे लिप्स पे लिप ग्लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है. तो जब मैं इसको सेंटर पे अप्लाई करूंगी तो मेरे लिप मेरे हैंड्स पे ग्लॉस भी आ जाएगा. तो मैं इसको दोबारा से इसके अंदर नहीं डालने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैं क्लीन करूंगी अपने हाथों को, देन अगेन मैं इसको लगाऊंगी ठीक है, नहीं तो मेरे ये जो आई शेड है खराब हो जाएंगे. क्योंकि ये ब्यूटी पैजेंट के लिए मेकअप हो रहा है और इंटरव्यूज के लिए, अगर आप कोई भी टैलेंट राउंड है कुछ भी उसके लिए इंटरव्यू उसके लिए लाइक मेकअप हो रहा है तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा जो है चटके हुए शेड्स जो है वो नहीं लगाने हैं, अप्लाई नहीं करने हैं. सो इस बात का आपको ध्यान रखना है. सो यहाँ पे ये होता है पूरा मेकअप लुक कम्प्लीट ठीक है. मेकअप लुक हो चुका है कम्प्लीट एंड यहाँ पे अब बारी आती है क्लोथ्स चेंज करने की. एंड देन ईयरिंग्स आप स्टड्स डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक हैवी हैवी इस तरीके ईयरिंग्स ना डालें, स्टड्स आप डाल सकते हैं बहुत प्यारे लगते हैं. अभी छोटे छोटे ईयरिंग्स आप डाल सकते हैं बहुत अच्छे लगते हैं. एंड हेयर को आपको कैरी करना आना चाहिए तो ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं लगने वाली हूँ लाइक ओके. तो आप इस तरीके की ईयरिंग्स डाल सकते हो, ये मेरी फेवरेट वन ईयरिंग्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगते हैं, क्लासी भी लगते हैं, बहुत टू मच नहीं लगते हैं. तो आप इस तरीके के राउंड वाले जो ईयरिंग्स आते हैं वो डाल सकते हो. प्लस अगर आपको हल्का सा ग्लो चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ हाईलाइटर की एप्लीकेशन कर सकते हो. तो हल्का सा आप हाईलाइटर लो इस तरीके से एंड देन उसको फिंगर पे इस तरीके से थोड़ा सा लाइक मर्ज कर लो एंड देन उसको आप अपने हाई एरियाज पे अप्लाई कर सकते हो लाइक दिस एंड उसको थोड़ा सा ब्लेंड भी करना ठीक है. बहुत हल्का हल्का लगाना है, बहुत भर के मत लगा लीजिएगा प्लीज. ओके तो ये अभी जैसे कि मैं स्ट्रेट हूँ तो इतना ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं हो रहा है ठीक है. वो पता भी नहीं लग रहा होगा कि मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया. बट जब आप ऐसे टर्न करोगे या ऐसे टर्न करोगे हल्का सा मोमेंट होगा आपको लाइक दिस, यू कैन सी द शाइन, यू कैन सी द शाइन लाइक दिस एंड आपको नोज पे भी शाइन नजर आ रही होगी. सो ये होती छोटी छोटी ट्रिक्स आप ट्राई कर सकते हो ठीक है. सो उसके बाद कुछ भी लाइक आउटफिट डाल सकते हो, जैसे कि मैंने ये बहुत ही सिंपल सा और क्यूट सा थोड़ा सा अट्रैक्टिव मैंने ये आउटफिट वेयर किया है. आप कुछ भी पहन सकते हो जो आपको अच्छा लगता है बट बहुत ज़्यादा तड़क भड़क नहीं पहनना है ठीक है. प्लस आप अपने हेयर्स को थोड़ा सा कॉम करें ठीक है. कॉम करने के बाद इसको थोड़ा सा आप सेट करेंगे हेयर को. बहुत ज़्यादा लाइक मैसी नहीं होने चाहिए आपके हेयर्स, ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिखरे बिखरे से बाल हैं, ऐसे उड़े उड़े से बाल हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए. ऐसे करके आप बैठ गए हो नो डोंट लाइक दैट ठीक है. तो आप इस तरीके से उसको अच्छे से कॉम करके एंड देन आप सेट कर सकते हैं. एक साइड से आप पिन लगा सकते हैं इस तरीके से, हेयर्स आप पीछे रख सकते हैं लाइक दिस या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं. और
दैट्स इट एंड आप रेडी हैं इंट्रोडक्शन राउंड के लिए, टैलेंट राउंड के लिए, व्हाटएवर कोई भी आपको राउंड करना है तो आप उसके लिए रेडी हैं, ठीक है? आई होप यू गाइज लाइक इट. इसी तरीके अगर आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे. प्लस इस तरीके की मैं कुछ और वीडियोज जरूर लेकर आऊंगी थोड़े थोड़े डिफरेंट आई मेकअप के साथ, और आई होप यू गाइज लाइक, ठीक है?